हाँ, तो फिर एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई जो उरु है वो कैसे सेट करे, उसके ऊपर फुल डिटेल्स में थोड़ा वीडियो बना दो एक लेटेस्ट वाला। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बना दूँ। अब ये हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा आराम से, थोड़ा शांति से बैठ के बात करके अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। और अभी उरु की जो लोकेशन है वो भी काफ़ी चेंज हुई है, और पहले जैसे स्टोरी मिशन में मिला करता था स्टेजेस क्लियर करने के बाद में, तो ऐसा सिस्टम अभी चेंज हुआ है। तो सिस्टम अपडेट होने की वजह से मुझे भी वीडियो अपडेट करना पड़ेगा, जो कि इस साल के फरवरी के आने से पहले मुझे करना है, अपडेट आने से पहले। तो चलो जल्दी जल्दी करते। तो यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया था, हाँ ये रहा, कैट डैनवर्स ब्रो मेक ऑन स्टार एज आई एम नियर, ओके दिस साइट कैन नॉट रीच आ रहा है, ओके मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो ओपन करके देख लिया, सब अच्छे से चल रहा है, वेबसाइट ओपन नहीं होती, हो रहा है, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होगा, आइडिया वोडाफोन होगा तो थोड़ा सा नेट का इशू है, उस वजह से वेबसाइट भी थोड़ी स्लो खुलेंगी, क्योंकि सर्वर बराबर प्रॉपरली काम नहीं करेंगे नेट के वजह से, इंटरनेट कनेक्शन के वजह से। तो थोड़ा सा देख लो, और मैं वो कमेंट ढूंढ रहा हूँ कि वो कमेंट कहाँ गया, कहाँ गया वो कमेंट। उस कमेंट को ढूंढो, अगर वो कमेंट मिल जाए एक बार तो। गिरा ए डेडपूल ब्रो कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू सेट प्रॉपर उरु आफ्टर द न्यू अपडेट, क्यों नहीं जरूर, चलो गेम में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेम की सेटिंग नहीं किया शायद, और ऐड का ऑप्शन यहाँ से मुझे ऐड करना पड़ेगा अभी, ये मैंने गेम डाल दिया, और क्या डालना था, क्रोम डाल देता हूँ, डन कर देता हूँ। चलो तो अभी चलेंगे हम लोग अंदर। प्रॉपर डिटेल्स चाहिए तो डिटेल्स दे देता हूँ प्रॉपर सही तरीके से, उसको अच्छे से देखो समझो, और किस कंडीशन में, कौन से कंडीशन में लगाने के लिए बोल रहा हूँ, और किस टाइप के प्लेयर्स के लिए कौन से उरु सबसे पहले सेट करना रहेगा, वो उस पर से आप सीखो, और चाहो तो आप उसे फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो, चाहो तो, और करना भी है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेवल पे जाना है तो बड़े बड़े उरुज और बड़े बड़े अपग्रेड भी करना पड़ेगा, वो जो आपको सीखना है तो वो कैसे करना है एग्जैक्टली, क्या करना है क्या नहीं करना है, और कहाँ कहाँ डेंजरस है कहाँ कहाँ ईजी है, थोड़ा सा मैं वो एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा। ठीक है तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हम जाएंगे टीम के अंदर, और टीम से यहाँ से उठाएंगे हम लोग एक टीम। ठीक है तो सबसे पहले बेसिक में कैरेक्टर को उठाऊंगा, क्योंकि न्यू प्लेयर्स के पास में कोई नेमोर या लूना स्नो डायरेक्टली टीयर 3 वगैरह वगैरह मिलने वाली है नहीं, तो बेसिक कैरेक्टर को उठाते हैं हम लोग, एक नॉर्मल कैरेक्टर जिसको एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊंगा। सबसे पहले कुछ रिवार्ड एक्सेप्ट कर लूँ, ओके तो सबसे पहले जो है उरु का लोकेशन बता देता हूँ, उरु का क्या काम है और उरु को लगाते कैसे है वो थोड़ा दिखा देता हूँ बेसिक बेसिक। तो यहाँ पर डिमेंशन मिशन नाम का एक स्टेज है, एक मिशन है, जिसको यहाँ पर क्लियर करने के बाद में आपको यहाँ से कुछ, आपको ये देखो यहाँ पर उरु दिखेंगे, जैसे ये डिफेंस टाइप का उरु, ये थोड़ा सा इग्नोर डिफेंस वाला उरु, और यहाँ पर एनर्जी अटैक वाला उरु, ये आपको उरु दिखेंगे। ठीक है और यहाँ पर कुछ और भी आपको एक्स्ट्रा के यहाँ पर दिखेंगे, ये एनर्जी अटैक वाला, यहाँ पर कभी कभार फिजिकल अटैक भी आ जाएगा, कभी आपको एचपी रिकवरी का भी दिखेगा, और कभी आपको डॉच का भी दिखेगा। तो यहाँ पर हर टाइप के उरु यहाँ पर आते रहेंगे, एनर्जी डिफेंस आएगा, कभी फिजिकल डिफेंस आएगा। तो ऐसे उरुस को क्या करना है, कौन सा रखना है, कौन सा सेट नहीं करना, थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पर ये टोकन मिलता है इस स्टेज को क्लियर करने के, जो कि आपको दो बार अगर करोगे समझो आपका लेवल के ऊपर डिपेंडिंग है कि आपका लेवल कौन सा है। मैं रिकमेंड करूँगा कि न्यू प्लेयर जो है लेवल 5 करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो लेवल 60 के आसपास है, जिनका जो क्या नाम है इसका एजेंट लेवल जिसका 30 के ऊपर है या 40 या 60 के ऊपर है या उसके आसपास है या उससे ज़्यादा का है, वो लोग 10 यूज़ करो। तो मैं 10 यूज़ करूँगा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ करूँगा मैक्सिमम पे। तो यहाँ पर क्लियर करने के बाद में एक शॉट में आपको जो रिवार्ड है, पहला जो गोल्ड था गोल्ड अक्वायर का कुछ समथिंग समथिंग गोल्ड मिलता है, दो शायद कुछ मैं कितना है वो एग्जैक्टली मैं बोल नहीं सकता, लेकिन 1 लाख के कुछ आसपास या उससे ज़्यादा है, तो वो कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 5,000 आपको टोकन मिलेंगे। उस 5,000 टोकन का यहाँ से आप उरु चेस्ट ले सकते हो, जैसे एग्जांपल यहाँ पर मटेरियल के बाजू में अपग्रेड आइटम में यहाँ पर ये देखो उरु चेस्ट, यहाँ से भी आप ले सकते हो। और चाहो तो यहाँ पर स्टेज क्लियर के करने के बाद भी या मैन्युअली अगर ऑटो प्ले भी छोड़ते हो तो भी मिल जाएगा। अब न्यू प्लेयर से HP इंक्रीज करनी है तो यहाँ पर टीम सेट कर दो और रिपीट पर छोड़ दो, जितनी बार आपको रिपीट करना है उतना यहाँ पर ऐड कर दो। जैसे एग्जांपल अगर मुझे 10 टाइम्स ऑटो प्ले करना है या किसी कैरेक्टर की लेवल मुझे बढ़ानी है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 सेट कर दूंगा। और 10 सेट करने के बाद में यहाँ पर मैं ऑटो प्ले पे छोड़ूंगा, जिस वजह से यहाँ पर कैरेक्टर की जो HP है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी लेवल वाइज। जितना लेवल समझो 1 का है तो 1 से लेके 40 तक जल्दी पहुँच जाएगा, उसके बाद में फिर 40 से लेके 50 तक थोड़ा टाइम लगेगा, फिर 50 से लेके 60 तक थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करते करते आपको कैरेक्टर के लेवल 60 करनी है। उसके बाद में 60 से 70 का प्रोसेस मैंने वीडियो बना के दिया हुआ है, यूट्यूब पे सर्च करो। हाँ आगे बढ़ते, तो उरु के बारे में बताता हूँ। उसके बाद में यहाँ से क्लियर कर लिया तो आपको कुछ इन्वेंट्री में आपको उरु दिखाई देंगे, ये डे वाइज चेंज होते रहता है, ये चीज़ ध्यान में रखना कि मतलब जैसे आज डिफेंस टाइप के कुछ उरु है या इग्नोर डिफेंस वाले उरु है, तो ऐसे ही कुछ आपको हर डे वाइज उरु दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ फिजिकल डिफेंस वाले भी उरु मिलेंगे, एनर्जी डिफेंस वाले भी उरु मिलेंगे, तो इनको हटा देना है, गेम से डिलीट कर देना है। कैसे? यस है, जैसे यहाँ पर मैंने ऑप्शंस ये देखो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, उस पर मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद भी यहाँ पर देखो फिजिकल डिफेंस है, सिर्फ उसके ऊपर टाइप किया मैंने और सिलेक्ट ऑल कर दिया, जिससे सारे के सारे जो डिफेंस उरु है वो मेरे जो इन्वेंट्री है उससे हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यानी जगह साफ हो जाएगी और मैं बाकी के जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको ला पाऊँगा। तो यहाँ पर मैं जो बेकार बकवास मटेरियल है उसको मैं हटा देता हूँ। ध्यान रहे इसमें कॉस्मिक क्यूब फ्रेगमेंट ऐड नहीं करना है, गलती से भी टच नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो गया समझो फिर काम से। इसमें सिर्फ उसी को टैप करना है जिस चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर डिफेंस वाले उरु रखना नहीं है और ना ही किसी कैरेक्टर को देना है, बिल्कुल भी देना नहीं है, किसी भी कैरेक्टर को देना नहीं है डिफेंस टाइप के उरु बिल्कुल भी नहीं। ये पुराने वीडियोस में आईडी चेक की वीडियोस में सभी वीडियोस में मैंने ये रिपीट किया हुआ है। अब देखो उरु के पहले समझ लो उरु किस टाइप के होते हैं, उसके बाद में कैरेक्टर को कैसे देना है वो थोड़ा समझा दूंगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो फिजिकल अटैक वाले, इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं कोई एक कैरेक्टर ले लेता हूँ फिजिकल अटैक समझाने के लिए। जैसे एग्जांपल एक कैरेक्टर है कैप्टन, इसको मैं इधर ले लेता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो कैप्टन का, ठीक है। अब कैप्टन का जो है यहाँ पर देखो कैरेक्टर का क्या लिखा है सबसे ऊपर में, ये वाला जहाँ मेरा वाइट डॉट है ना वहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान देखो, गौर से ध्यान दो, फिजिकल अटैक लिखा हुआ है, दिख रहा है फिजिकल अटैक। तो ये जो फिजिकल अटैक है इससे मालूम पड़ता है कि कैरेक्टर कौन सा टाइप का अटैक पहले कर रहा है, तो ये कर रहा है फिजिकल अटैक। इसके जैसा अगर मैं दूसरा कोई कैरेक्टर ले लूँ, जैसा डेडपूल ले लेता हूँ, यहाँ पर देखो डेडपूल भी फिजिकल अटैक करती है। उसके बाद में अगर मैं दूसरा कोई और कैरेक्टर ले लूँ क्विकसिल्वर ले लूँ, तो यहाँ पर भी फिजिकल अटैक करता है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा और कोई कैरेक्टर हल्क भी यहाँ पर फिजिकल अटैक करता है। तो ऐसे जो फिजिकल अटैक करने वाले जो कैरेक्टर है इनको ऐसे आप लोग सिंपली तौर पे समझ सकते हो, पहचान सकते हो कि ये कौन सा टाइप का अटैक करता है। और यहाँ पर और एक चीज़ है और एक मेथड है जिससे आप पहचान सकते हो कि कैरेक्टर कौन सा अटैक करता है। तो स्किल्स में चले जाओ और कोई भी जो नॉर्मल स्किल्स है स्किल 1 2 3 4 5 6 उस पर टैप करके रखो, होल्ड करके रखो, उस पर आपको वहाँ पर दिखेगा कि कौन सा टाइप का कैरेक्टर वो अटैक करता है।
यानी जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है स्किल टू में कैप्टन का फिजिकल अटैक फिजिकल डैमेज, तो ये जो कैरेक्टर है कैप्टन अमेरिका ये फिजिकल अटैक करता है और फिजिकल डैमेज देता है जो कि फिजिकल है। तो ऐसे जो फिजिकल नाम के जो कैरेक्टर है जो कि अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया और दिखा भी दिया पहचानना कैसा वो भी बता दिया, तो ऐसे जो कैरेक्टर है जो कि फिजिकल अटैक करते हैं उनको यहाँ पर फिजिकल टाइप का उरु देना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल दिखा के। ये देखो यहाँ पर ये कैप्टन है, ठीक है। अब इसके गियर्स में मैं जा रहा हूँ, ये देख लो यहाँ पर, देखो मैंने दो फिजिकल अटैक वाले उरु दे रखा है। अब बात करूँगी भाई मेरे पास ब्लेसिंग शुरू है, मैं ज़्यादा खेला नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास ब्लेसिंग्स उरू है, तो मैं क्या ब्लेसिंग्स उरू में दे सकता हूँ? बिल्कुल हाँ दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। जैसे एग्जांपल अगर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर मेरे पास अभी ब्लेसिंग उरू में रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये ओडिम ब्लेसिंग वाला फिजिकल अटैक वाला, ये मैं चाहूँ तो दे सकता हूँ कैरेक्टर को, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक उरू देने से मुझे चेंजेस नहीं मिलेगा या कोई बड़ा अटैक नहीं मिलेगा, मुझे ज़्यादा के चाहिए, मतलब हर स्लॉट में अगर दो दो मुझे डालना चाहिए डालने के लिए चाहिए तो उसका टोटल अगर कितना होगा, और हर गियर में चार गियर है, 4x4 2, 4, 6, 8, ये जो ओडिन ब्लेसिंग्स है क्या नाम है इसका फिजिकल अटैक वाला स्ट्राइक वाला, ये मुझे टोटल 8 चाहिए। अगर एक कैरेक्टर को अगर मैं दो दो स्लॉट में अगर डालूं या उसके सेट करूं या सेट करना चाहूं तो मुझे टोटल ये क्वांटिटी में 8 चाहिए, तब जाके मैं पूरा एक कैरेक्टर को सही तरीके से अपग्रेड कर पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कैप्टन के साथ देख सकते हो कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कोई भी उरू ब्लेसिंग कैरेक्टर को दिया नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे पास वो सही तरीके से सही क्वांटिटी में नहीं आते तब तक वो देना सही नहीं रहेगा, और अगर दे भी दूँ तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा अटैक उसका 80 के बढ़ेगा, ये बात सही है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा दिखने में अजीब लगेगा, और देना है तो पूरा सही तरीके से दो, नहीं तो फिर रखो कलेक्ट करो उसके बाद में फिर दे दो, तो वैसा सही रहेगा। तो यहाँ पर जैसे चार गियर है कैप्टन का, पहले शील्ड कैप्टन का, यहाँ पर सूट कैप्टन का पैर, और यहाँ पर जो क्वांटम मैकेनिज्म है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये चार गियर में चार उरू दिए हुए हैं, ठीक है, पाँच है तो पाँच में दो सेम वाले सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दो फिजिकल अटैक यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर भी दो फिजिकल अटैक वाले, देखो इधर लेफ्ट साइड में जहाँ राउंड शाइन कर रहा है ना इस तरफ देखो, हर स्लॉट में दो फिजिकल अटैक वाले दिए रहे हैं, यहाँ पर देखो ये फिजिकल अटैक लिखा है, ये देखो ये फिजिकल अटैक वाला, यहाँ पर भी डबल टैप करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा कि एग्जैक्टली कितना दे रहा है। उसके बाद में सेकंड गियर में यहाँ पर भी दो फिजिकल अटैक वाले, थर्ड गियर में यहाँ पर भी दो फिजिकल अटैक वाले, ये रेड वाले स्क्वायर साइज दिख रहे हैं ये वाले। उसके बाद में ये लास्ट चौथा गियर, यहाँ पर भी दो फिजिकल अटैक वाले उरू, तो सेम ऐसे ही उरू ब्लेसिंग्स भी लगा सकते हैं। अब लगाने का जो सेटिंग है, जो मेथड है, जो सिस्टम में सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सेट करते हैं वो थोड़ा बता देता हूँ। कोई एक कैरेक्टर ले लेता हूँ जिसको मुझे सेट करना है, कोई एक लल्ला कैरेक्टर जिसको मैंने दिया ना हो, रॉक को ले लेता, ठीक है, रॉक लल लिया तो इसको हम लोग देंगे। तो देने से पहले क्या करना है, सबसे पहले मटेरियल कलेक्ट करना है, देने से पहले कुछ भी आप कैरेक्टर का कलेक्ट करते हो या कैरेक्टर को अपग्रेड करते हो तो उसके पहले मटेरियल कलेक्ट कर लो, उसके बाद में अपग्रेड के बारे में सोचो, ठीक है, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास मटेरियल है या नहीं। तो यहाँ पर मैं करूँगा रेड वाले सेक्शन में, यहाँ पर रखा हुआ है, ये देखो रेड सेक्शन में रखा हुआ है उरू, तो यहाँ से उरू हमें पिकअप करना है और पिकअप करने के बाद में देना है। अब देने से पहले ये देख लो कि मटेरियल में कौन कौन से उरू है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक स्टार के 2135 उरू है, 2135 तो ये मैं दे सकता हूँ। उसके बाद में दो स्टार के उरू है मेरे पास फिजिकल अटैक वाले, यहाँ पर दो दो है, ठीक है, यानी 81 है। उसके बाद में तीन स्टार का हम लोग देखते हैं, तो तीन स्टार का यहाँ पर मेरे पास दो है, उसके बाद में यहाँ पर चार स्टार का सिर्फ एक है, और सिक्स स्टार का यहाँ पर तीन है, तो यहाँ पर मुझे इससे कंबाइन करना पड़ेगा, यानी इसको कंबाइन किया और जितने भी मुझे चाहिए वो यहाँ से मैं कंबाइन कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल अगर मुझे हर स्लॉट में तीन तीन स्टार के उरू देना है तो यहाँ पर मुझे कई गुना ज़्यादा कंबाइन करना पड़ेगा, और इसमें कई बार फेल भी होगा, मतलब कंबाइन करने में फेल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 10 मैंने आगे बढ़ा दिया, 10 और अब आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ा दिया, मैं 80 तक लेके जाऊँगा, मुझे 80 कंबाइन करना है और ये मैंने दे दिया, टैप कर दो ताकि स्किप हो जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब ये मैंने 80 बना लिया, यहाँ पर देखो दो स्टार के उरू यहाँ पर 80 आ गए होंगे,
कहाँ गया, ये रहा 152 दिखा रहा है, पहले कुछ और था अभी कुछ यहाँ पे ऐड हो गए, तो इसको भी हम लोग कंबाइन करेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मुझे कितने चाहिए, मैं 20 निकाल लेता हूँ, ठीक है 20 बना लेता हूँ, और ये मैंने टाइप कर दिया। तो 3 स्टार के उरू यहाँ पर कितने बने, सिर्फ 18 बने, और बाकी के जो फेल हुए वो 3 हुए, 3 यहाँ पर फेल हो गए और 18 सक्सेसफुली कंबाइन हुए। अब ये मैंने बना लिया, ठीक है अब ये मैंने रेडी कर लिया 3 स्टार के उरू। अब इसको देना कैसे वो बता देता हूँ, ये देखो ये 20 बन गए, 20 3 स्टार के उरू यहाँ पर बन गए जो कि कंबाइन हो गए। अब यहाँ पर देखो ये जो कैरेक्टर है जिसका स्लॉट खाली है जो कि एम्पलीफाई नहीं है, तो सबसे पहले एम्पलीफाई के बटन पे जो कि स्क्वायर साइज का है इस पे टाइप करो। टाइप करने के बाद में यहाँ पर ऑटो सिलेक्शन आएगा, एक ये वाला है ये साइड का जो कि ग्रीन वाला है, उसके बाद में ये सेंटर वाला जहाँ पर 30,000 से आप लोग वन टाइम सेट कर सकते हो या उसका चांस ला सकते हो कि 5 स्टार में परफेक्टली आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आपको उरू सेट करने से पहले करना है, पहले एम्पलीफिकेशन करना है, एम्पलीफाई करना है पहले, उसके बाद में उरू डालना है जहाँ पे जो शाइन करेगा वहाँ पे उरू सेट करना है, और कोशिश करना कि पहले एम्पलीफाई कर लो उसके बाद में उरू सेट करना। तो यहाँ पर एम्पलीफाई कैसे करना है दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसे ही करना है। देखो अब जैसे कि यहाँ पर मैंने 30,000 पे दबाया, तो 30,000 पे दबाने के बाद में सिर्फ एक ही स्लॉट आया, तो यहाँ पर कोशिश करनी है कि 3 से लेके 4 या 4 से लेके 5 स्टार तक शाइन हो जाए, यानी जो स्लॉट है वो एम्पलीफाई हो जाए, चारों के चारों या पाँचों के पाँचों कोशिश करनी है। कोशिश करने में और एक चीज़ ये याद रखना कि जब एम्पलीफाई कर रहे हो तो हमारे पास गोल्ड कितना है और हम लोग गोल्ड कितना स्पेंड करने वाले हैं और हमें बचा के कितना रखना है उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो जैसे कि आपने मैंने और एक बार किया एम्पलीफाई किया, तो यहाँ पर एम्पलीफाई करने से यहाँ पर 3 स्लॉट जो है एम्पलीफाई हो गए, ठीक है। अब मुझे कोशिश करनी है कि 3 से लेके 4 या 4 से लेके 5 तक आ जाए, तो यहाँ पर 3 आ गए, मैं कोशिश करता हूँ कि 4 आ जाए। अब ऐसा बहुत बार होता है, कभी कभार गुस्सा आ जाता है नेट मार्बल पे कि ये क्या है, मतलब ऐसा इसमें सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए था। जैसे एक बार वन टाइम मैंने प्रेस किया तो एक आया, दूसरी बार प्रेस करूंगा तो 2 स्लॉट आएगा, उसके बाद मैं तीसरी बार मैं प्रेस करूंगा और एक बार तो 3 स्लॉट आएगा, उसके बाद मैं चौथी बार और एक बार मैं प्रेस करता हूँ तो 4 स्लॉट हो जाएंगे, उसके बाद मैं पांचवी बार और एक बार अगर मैं प्रेस करता हूँ तो 5 स्लॉट जो है एम्पलीफाई करना चाहिए था, जो कि एक सही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है, ठीक है ये एक चीज़। मैंने और एक बार किया, यहाँ पर 3 स्लॉट आए, अब यहाँ पर मुझे कोशिश करनी है कि 4 स्लॉट कैसे भी करके आ जाए, लेकिन इस चक्कर में गोल्ड वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पर 5 स्टार का ये आ गया, चलो लक अच्छा था इसलिए आ गया, ये लक के ऊपर डिपेंडिंग है, ठीक है। अब इसके बाकी जो गियर से सेम इसको भी वैसे ही एम्पलीफाई करना है, पहले एम्पलीफाई करेंगे हम लोग, जो भी आएगा देखेंगे। अब इसको मैं 3 ला लेता हूँ कैसे भी करके एडजस्ट करके, आजा नेट मार्बल की, हाँ नेट मार्बल को गाली दो और पूरे स्लॉट एम्पलीफाई कर लो, मजाक करो जस्ट जोक्स का पार्ट। गला थोड़ा सूख गया, चलो 4 स्लॉट आ गया। अब यहाँ पर भी कोशिश करनी है कि 4 से लेके 5 आ जाए, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 1 नहीं चलेगा, कम से कम 4 चाहिए या 3, 3 से भी काम चल जाएगा अगर गोल्ड कम हो तो, या कैरेक्टर ज़्यादा खास या यूज़ में ना हो तो 3 भी चल जाएगा, लेकिन बाद में फ्यूचर में जाके उसको एम्पलीफाई करना है जब भी गोल्ड रहेगा तब। ये लो ये 4 आ गया, ठीक है अब ये 4 से हम लोग काम चला लेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि 3 स्टार के मैंने उरू बना के रखा है, ये 2 स्टार वाले, ये 3 स्टार वाले कहाँ गए, हाँ ये रहा फिजिकल अटैक वाले, ये 2 स्लॉट में आएंगे, सिर्फ 2 ही आएंगे ये ध्यान में रखना। अगर मैं तीसरा और एक स्लॉट अगर मैं सेट करना चाहूँ तो भी मैं नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, अप टू 2 एनहांसमेंट उरू, सॉरी एनहांस उरू विथ ऑप्शन स्टेट कैन इक्विप, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी जो उरू है इसके जगह पे वो सेट करना, जैसे एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सोचने और समझने के लिए,
एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ लो, यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज का मैं दूंगा ये रहा, ठीक है, ये एक स्टार का है, तो यहाँ पर मैं दूंगा ये ऐसे दे दिया। अब मुझे और एक एक चाहिए, अब इसके जगह पे मैं कुछ और दे सकता हूँ, इग्नोर डिफेंस दे सकता हूँ या एचपी दे सकता हूँ। ये एचपी का यहाँ पर देखो, ये एक स्टार का, ये नीचे में ये वाला, ये दे सकता हूँ ऐसे। तो ऐसे ऐसे दे दे के जो भी आपका कैरेक्टर है उसको आप दे सकते हो। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, एक का कैरेक्टर ले लेता हूँ मैं, जैसे एग्जांपल लूना स्नो ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स है मेरी, मैंने बहुत सारे उरु अपग्रेड नहीं किया, सही तरीके से नहीं दिया हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें मेरी समझ के बाहर है इसलिए। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर की डिटेल्स है ये देखो, जैसे यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज 179 है, दिख रहा है ये देखो यहाँ पर। मैं थोड़ा होल्ड करके रखता हूँ ताकि आप इसको इजीली और अच्छे तरीके से समझ पाओ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम देकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, क्रिटिकल डैमेज देखो कितना है, 179। तो इसको हम लोग 200% का फुल करना है, उसके बाद में यहाँ पर डॉज जो है 48% का, तो डॉज को भी इंक्रीज करना है। और यहाँ पर इग्नोर डिफेंस और इग्नोर डॉज जो है ये थोड़ा बहुत यहाँ पर आना चाहिए था लेकिन आया नहीं है। यहाँ पर सीटीपी रेज भी है फिर भी, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ आपके कैरेक्टर में कम है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिखाया कि 179 मेरा क्रिटिकल डैमेज 200% से थोड़ा सा कम है, यानी कितना परसेंट है, लगभग 21% का कुछ कम है, तो 21% मुझे कवर करना है। तो मुझे 21% का कुछ जो है क्रिटिकल डैमेज वो लाना है। तो यहाँ से भी मुझे एक तो आईसोट से लाना पड़ेगा थोड़ा बहुत यूनिफॉर्म से लाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत उरू से मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। तो तीनों चारों चीज़ें कंबाइन करने के बाद में, अपग्रेड करने के बाद में, जो क्रिटिकल डैमेज की जो कमी है, जो 21% का जो मैंने कमी बताई वो कंप्लीट हो जाएगी, जिससे यहाँ पर लूना स्नो का जो क्रिटिकल डैमेज है वो यहाँ पर 200% का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कहाँ था मैं, कैप्टन पे था। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखो, और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, कैप्टन का देखो कितना है, 198, ठीक है, 198.99 है क्रिटिकल डैमेज। अब इसका जो क्रिटिकल डैमेज है वो हम लोग बढ़ाएंगे, तो कैसे बढ़ाते हैं थोड़ा देख लेते हैं, पहले टीम सेटअप में देख लो, नहीं सेट नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अंदर जाएंगे और इसके ऊपर सेट करेंगे, तो यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज मैं बढ़ाऊँगा इसका, तो ये रहा। अब इसको कंबाइन करना है, कंबाइन करने के लिए है नहीं, तो हम लोग क्रिटिकल डैमेज वाला उरू लाएंगे और इसको कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर 4 स्टार का है, तो 4 स्टार का क्रिटिकल डैमेज वाला उठाना है और कंबाइन करना है। ये फेल हो गया अभी, इसको और एक बार कंबाइन करेंगे हम लोग, ये सक्सेसफुली हो गया, कंबाइंड रिजल्ट सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पर ये 5 स्टार का बन गया। अब ऐसे बाकी की जो उरू है उसको भी हम लोग करेंगे 5 स्टार का। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 2 उरू है, ठीक है, इसको भी हम लोग करेंगे। अब ये कंबाइन कैसे करते हैं वो सीख लो, थोड़ा देख लो, प्रैक्टिकली मैं करके दिखा रहा हूँ, सेम वैसे ही करना है। और मैं कहाँ पर टच कर रहा हूँ, कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कितना स्क्रोल कर रहा हूँ, कौन से सिस्टम में जा रहा हूँ वो देख लो। ब्लू टाइप के सिस्टम में मैं अभी हूँ और ब्लू टाइप के सिस्टम में नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज का लिखा हुआ है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और क्रिटिकल डैमेज का उरू जो है वो दिखने में स्क्वायर टाइप का है और थोड़ा ट्रायंगल शेप में, मतलब दिखने में स्क्वायर टाइप का है और थोड़ा मुड़ा हुआ है, तो वो ब्लू कलर का है, ये क्रिटिकल डैमेज का उरू है, ठीक है। अब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, तो इसके ऊपर का जो 3 स्टार का है उसको हम लोग ढूंढ के निकालेंगे और उसको कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो 2 स्टार का उरू बनना पड़ेगा अभी। तो अभी यहाँ पर सक्सेसफुली 3 स्टार के जो उरू है क्रिटिकल डैमेज वाले वो 5 बने और 2 सक्सेसफुल हुए, और हम लोग फिर से और एक बार कोशिश करेंगे।
ये 6 बन गए, ठीक है। अब इसको हम लोग 4 में कन्वर्ट करेंगे। चलो तीनों के तीनों सक्सेसफुली कंबाइन हो गए। अब यहाँ पर इसको कंबाइन करेंगे हम लोग, उम्मीद करता हो जाए। नहीं हुआ, हो गया हो गया हो गया, सक्सेसफुल हो गया। अब इसको भी करेंगे, नहीं हुआ, और एक बार करेंगे। चलो लग जा, हो जा बेटा, भाई की इज्जत में डूबा। नहीं हुआ, और एक बार करेंगे। तो अभी करने के लिए उरू नहीं है, तो हम लोग उरू लाएंगे, कंबाइन करेंगे, स्टेजेस खेल खेल के यहाँ पे कलेक्ट करना है। और इसको मैं 10 times दस में से 9 उरू सक्सेसफुल हुए और 2 उरू फेल हुए, ठीक है। देखते हैं अभी इस वाले को करके, देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। चलो हो गया। और ये वाला यहाँ पर भी 1-2 उरू है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। जब ये पिंक कलर का वाइब्रेट और जो एनिमेशन आता है तब तब सक्सेसफुल होता है, और जब ये नहीं आया तब ये अनसक्सेसफुल हो जाता है। ये मैंने नोटिस कर लिया है और ये काफ़ी समय से ऐसे ही होता है। चलो यहाँ पर भी सक्सेसफुल हो गया। अब देखते हैं कैप्टन का क्रिटिकल डैमेज 200% का हुआ है या नहीं। चलो यहाँ पर ये 200% का हो गया। तो आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में मैंने करके दिखा दिया कि किस तरीके से कैप्टन का जो है या उरू जो है सेट कैसे करना है, और कितना कैसे क्या कैरेक्टर को जो है जो क्रिटिकल डैमेज हो गया या HP हो गया या कैरेक्टर का जो अटैक हो गया और HP डॉज इग्नोर डिफेंस ये सब जैसे कवर करना है उसको कवर अप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इग्नोर डिफेंस है 47 का, तो यहाँ पर 47 का जो है कार्ड के ज़रिए मैं कवर अप कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो अभी कुछ मेरे कार्ड में एक प्रॉब्लम हो गया है, वो ये कि 3% का इग्नोर डिफेंस यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उस वजह से जो कैरेक्टर का ये इग्नोर डिफेंस भी कम हो गया, तो यहाँ पर अगर मैं कवर अप कर लूँ तो यहाँ पर भी कवर अप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर उरू से भी कर सकता हूँ, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, और ऑब्लिस से भी कर सकता हूँ। यूनिफॉर्म ऑप्शन है, वहाँ से भी मैं ज़रूरत पड़ने पर कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल यहाँ पर अटैक स्पीड है, तो यहाँ पर अगर इग्नोर डिफेंस आ गया तो वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। फिजिकल अटैक की जगह पे यहाँ पर इग्नोर डिफेंस नहीं है, HP है, और HP की जगह पे यहाँ पर स्किल डाउन इग्नोर डिफेंस है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं इग्नोर डिफेंस ला लेता हूँ, ये आ गया और ये मैंने सेट कर दिया। अब देखते हैं कैप्टन का इग्नोर डिफेंस 50% हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये 50% का हो गया। तो यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज जो है 200% का मैक्सिमम है, इग्नोर डिफेंस 50% का है, इग्नोर डॉज भी यहाँ पर तकरीबन 50% का आ जाएगा मैक्सिमम फुल, और यहाँ पर जो डॉज है वो 75% का मैक्सिमम फुल रहता है। अगर आपको डॉज देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ये स्पाइडरमैन, और ये इसका जो डॉज, ये देखो 75% का यहाँ पर मैक्सिमम फुल है, दिख रहा है ये, और क्रिटिकल रेट भी लगभग 75% का मैक्सिमम है। मैं कुछ कैरेक्टर का दिखा देता हूँ जिसका क्रिटिकल रेट पूरा मैक्सिमम है, शायद ऐसे कोई कैरेक्टर मेरे पास होगा, शायद बोला मैंने, पक्का यकीन के साथ नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसा एक भी कैरेक्टर नहीं होगा जिसका क्रिटिकल रेट बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम या फुल हो। हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर जो क्रिटिकल रेट है वो इसका लूना स्नो का ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्रिटिकल रेट भी थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा उसमें लूना स्नो का मैं क्रिटिकल रेट बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर देखो जैसे कि अटैक स्पीड है 130 फुल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि उरू का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। और जैसे भी मैंने नॉर्मल वाले उरू लगा के दिखाया, प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया कि कैसे सेट करना है, कैसे अपग्रेड करना है, और सेट करने से पहले एम्प्लीफिकेशन करना ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ें मैंने रिपीट करके दिखा दिया। अब यहाँ पर जो है आप बोलोगे कि भाई जो ब्लेसिंग शुरू है वो भी करके दिखाओ, तो
उसका भी थोड़ा जुगाड़ जमाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल अगर ये क्रिटिकल डैमेज का उरू है, ठीक है, या फिर ये फिजिकल अटैक कर रहा है, या फिर कुछ और ढूंढ के निकालना पड़ेगा अभी। तो 6 स्टार के बाद यहाँ से कंबाइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। कंबाइन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ तो नहीं आएगा। ये देखो, ये जो ब्लेसिंग शुरू है, ये चाहो तो मैं सेट कर सकता हूँ। अगर आपके पास में क्वांटिटी में ज़्यादा है तो आप चाहो तो यहाँ पर फिजिकल अटैक की जगह पे फिजिकल अटैक दे सकते हो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था वीडियो के स्टार्टिंग में, कोडिंग ब्लेसिंग स्ट्राइक नाम का यहाँ पर जो फिजिकल अटैक वाले जो उरू है ये सेट कर सकते हो। जैसे इक्विप का बटन दबा दिया मैंने और यहाँ पर अगर टच कर दिया तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे करना नहीं है। यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अगर मुझे कैप्टन का एटी के बढ़ाना है तो मैं चाहूँ तो सेट कर सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी कम होने की वजह से मैं इसको अभी नहीं करूँगा, फिलहाल रहने देता हूँ। जैसे ही क्वांटिटी बढ़ जाएंगी मैं इसको सेट कर दूँगा, और जिस दिन ये क्वांटिटी सही तरीके से मिलेगा यानी फिक्स हो जाएगा तब तब मैं कैरेक्टर को अपग्रेड करता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा कि मैक्सिमम मिले, लेकिन ये मिलता बहुत कम है, उस वजह से मैंने इसको दिया नहीं है। मैक्सिमम बेसिक से बेसिक उरू से काम चला रहा हूँ, चल रहा है ना गेम, चल रहा है। अगर नहीं चलता, कोई नई कोई चीज़ में नहीं कर पाता, फेल हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो फिर ऐसे कंडीशन में शायद मैं उरू ब्लेसिंग्स उरू में दे देता। लेकिन अभी मेरा काम चल रहा है, गेम चल रहा है, मैं स्टेजेस खेल सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, जो जो चाहे वो कर सकता हूँ, तो चल रहा है, चलने दो। हाँ, किसी एक मिशन में जाके मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अटैक नहीं कर पा रहा है, डैमेज नहीं दे पा रहा हूँ, कम पड़ रहा है, तो फिर ऐसे कंडीशन में मैं उरू ब्लेसिंग पक्का देता, लेकिन अभी के कंडीशन में नहीं। तो यहाँ पर उरू ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगे वर्ल्ड बासर के अल्टीमेट स्टेजेस में, जो कि आपको क्लियर करने से मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, यहाँ पर नॉर्मल उरू मिलेगा डिमेंशन मिशन में, और आपको प्रैक्टिकल चाहिए तो प्रैक्टिकल के लिए आप लोग यहाँ पर वर्ल्ड बास अल्टीमेट के कुछ लेवल्स खेलने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर भी आपको कुछ मिलेंगे, ये देखो यहाँ पर ओडिन ब्लेसिंग, यहाँ पर इसका नाम है विल करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर बाकी के स्टेजेस में बाकी के अलग अलग टाइप्स के मिलेंगे। जैसे यहाँ पर प्रोक्सिमा के इसमें लिखा हुआ है फोकस करके लिखा हुआ है, और ब्लैक डॉर्फ के इसमें लिखा हुआ है स्टील करके लिखा हुआ है, उसके बाद में कॉर्वस के स्टेज में लिखा हुआ है हील करके लिखा हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर इबुनिमाओ के इसमें लिखा हुआ है एम्पलीफाई, और थानोस के इसमें लिखा हुआ है रेसिस्ट, और सुपर जायंट के इसमें नहीं है, डाला ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट है ही नहीं। पता नहीं गेम डेवलपर कब ऐड करेंगे, आगे देखते। क्विक सिल्वर के इसमें यहाँ पर टफनेस यहाँ पर नाम का एक रू है, जो कि क्रिटिकल डैमेज जैसा दिखता है वो है। उसके बाद में यहाँ पर केबल का है, केबल के इसमें यहाँ पर व्हील है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया। उसके बाद में यहाँ पर स्कारलेट विच के पास में यहाँ पर फोर्टिट्यूड या जो भी तुमको बोल सकते हो इसका प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो भी है वो निकाल लेना। उसके बाद में यहाँ पर एपोकलिप्स का यहाँ पर इनसाइट है, इनसाइट नाम का एक सिटी भी है और इनसाइट नाम का एक उरू है, तो ये यहाँ से मिलेगा। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग उरू है, तो देख लो जो आपको सही लगे वो आप खेलो। फिक्स नहीं है कि हर स्टेज में खेलने के बाद मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे, किसी भी कंडीशन में किसी भी कैरेक्टर के साथ मिल सकता है, तो कोशिश करते रहो और खेलते रहो, जो भी मिलेगा मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो थोड़ा सा डिटेल में मैंने समझा दिया, अगर कुछ इसमें से रह गया होगा तो कवर अप कर देता हूँ। लास्ट का क्या देना है क्या नहीं देना है, मेरे जो उरू आपको दिखाए कैप्टन का, जो मैंने उरू अभी दिखाया प्रैक्टिकली करके, तो यहाँ पर हर स्लॉट में 2 फिजिकल अटैक वाले उरू ब्लेसिंग्स हो गए, तो उरू ब्लेसिंग्स दो, अगर नॉर्मल वाले हैं तो नॉर्मल वाले भी दो, जो आपको सही लगे ठीक लगे वो आप दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सभी गियर्स में डाले, दो चाहो तो 2 गियर्स में भी सेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं उठा लेता हूँ एक, और ये इक्विप कर देता हूँ, मैं एक में सेट कर देता हूँ, करने में कर ही देता हूँ, तो कर सकते हो। ऐसा कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि सारे के सारे स्लॉट में ही डाल दो, अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सब लक के ऊपर डिपेंडिंग है, तो देख लो एडजस्ट हो सकता हो तो हो कर लो, या फिर अगर आपकी मर्जी। फिलहाल एक करके देख लेता हूँ प्रैक्टिकली, अब है तो अचार थोड़ी डालना है उरू का, लगा ही देता हूँ। गणपति बप्पा मोरया।
ये एक लगा दिया। उसके बाद मैं और एक देख लेता हूँ जहाँ पर फिजिकल अटैक के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल जाए। यहाँ पर ये एक है, इसको भी डाल देता हूँ। ये ले लगा दिया, चलो यहाँ पर भी मैंने डाल दिया। एक एक ही देता हूँ फिलहाल का और एटी के चेक करता हूँ। तो यहाँ पर एटी के कुछ 37,000 समथिंग था, यहाँ पर अभी 38,000 हो चुका है। चलो अच्छा है, कैप्टन का थोड़ा सा लेवल अप हो गया। एक और चीज़ रिपीट कर देता हूँ, रैंकिंग के पीछे कभी मत भागना। जितनी ज़रूरत है उतना ही कैरेक्टर को अपग्रेड करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम अपग्रेड करके जब यूज़ ही नहीं रहेगा तो मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ अभी के अपडेट में आने वाले जो रेड स्कल है, अभी कुछ प्लेयर्स रेड स्कल को बहुत ज़्यादा ओवर पावर बना देंगे, टीयर टू कर लेंगे, उसका मटेरियल कलेक्ट करके रख देंगे, सिस्टा कर लेके रख देंगे, टीयर टू करके रख देंगे। उसके बाद में जब यूनिफॉर्म देंगे तो यूनिफॉर्म में निकलेगा लोल, तो फिर लोल का कुछ करने वाले है नहीं। मटेरियल वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, गोल्ड वेस्ट हुआ और दिमाग ख़राब होगा वो अलग। तो यहाँ पर मतलब नहीं है समय से पहले अपग्रेड करने का। जितनी ज़रूरत है, जितना कैरेक्टर को अपग्रेड की ज़रूरत है उतना ही दो, जितनी उस कैरेक्टर का यूज़ है उतना ही उसको अपग्रेड दो। आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा अपग्रेड करना है, तो समय के साथ साथ आप कैरेक्टर को थोड़ा और अपग्रेड करते सकते हो। और ऐसे करते करते नए यूनिफॉर्म भी आते रहते हैं, तो एकदम किसी भी यूनिफॉर्म को उठा के मैथिक कर देना डायरेक्टली, ये सही नहीं है। मैंने बहुत से प्लेयर्स को देखा है जो कि जैसे लेटेस्ट में अगर कोई भी यूनिफॉर्म आ गया तो उसको मैथिक कर देते। जैसे एग्जांपल सेनिक एलेक्स भाई साहब और कुछ एक दो और यूट्यूबर है जो कोई भी यूनिफॉर्म का आया रे आया कि धड़ से उठा देते और धड़ से मैथिक कर देते, तो ये सही नहीं है। थोड़ा सा देखो, सोचो, समझो क्या वो यूनिफॉर्म जस्टिफा है या नहीं, ओवर पावरफुल है या नहीं, सभी कंडीशन में काम करता है कि नहीं, उसके बाद में सोच के समझ के कंडीशन के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से उसको अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, उनके पास में होगा, उसके माँ बाप ने पैसे कमा के रखे होंगे, उनके पेड़ पे पैसे लगते होंगे तो बात अलग है, लेकिन जिनके नहीं लगते उनको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपग्रेड करके आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कैप्टन का जो इन्फिनिटी वॉर का जो यूनिफॉर्म था वो हीरोइक है मेरे पास में, और एंड गेम का यहाँ पर मैथिक है। जो यूनिफॉर्म सबसे ज़्यादा बेस्ट था, सबसे ज़्यादा पावरफुल है उसको मैंने मैथिक किया, जो नॉर्मल है उसको मैंने छोड़ दिया, जितना ज़रूरत थी उतना अपग्रेड किया। तो जितने भी आप लोग मेरे यूनिफॉर्म देखेंगे तो हीरोइक या लेजेंडरी के आसपास रहेंगे, उससे ज़्यादा मैं अपग्रेड करता नहीं, और किया तो फिर बहुत लंबे समय तक मैं उसको यूज़ करूँगा, ये बात क्लियरली है। ओके, तो समझ में आ गया होगा किस टाइप के कैरेक्टर को किस टाइप का उरू देना है। एक दो पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल यहाँ पर अगर लूना स्नो है या फिर स्कारलेट विच है या फिर कैप्टन अमेरिका शरोनियस है या फिर थॉर है, तो ऐसे कैरेक्टर को कौन सा उरू देना चाहिए। देखो अभी मैं जो कैरेक्टर दिखाऊंगा उस पर थोड़ा एटीके पे ध्यान रखना। लूना स्नो का कौन सा एटीके करती है यहाँ पर, ये एनर्जी अटैक, तो यहाँ पर लूना स्नो को एनर्जी अटैक देना। उसके बाद में स्कारलेट विच का मैं बताने वाला हूँ। स्कारलेट विच का यहाँ पर देखो एनर्जी अटैक करती है, तो उसको भी एनर्जी अटैक वाला उरू देना, उरू ब्लेसिंग्स या उरू नॉर्मल वाले दोनों की कंडीशन में एनर्जी अटैक ही देना। उसके बाद में ये शेरोनोजस, ये भी एनर्जी अटैक ही करती है, भले इसका डैमेज फिजिकल हो लेकिन अटैक जो है एनर्जी अटैक है, तो यहाँ पर इसको एनर्जी अटैक देना। उसके बाद में थॉर, थॉर का भी यहाँ पर एनर्जी अटैक है, ये देखो क्लियरली यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, देखा यहाँ पर सभी के पास है, सभी के पास, चाहे वो न्यू प्लेयर हो, चाहे वो लेवल 13 का हो, लेवल 40 का हो, लेवल 50 का हो, लेवल 60 का हो, कोई भी लेवल का हो, उसका यहाँ पर क्लियरली मेंशन आपको दिख जाएगा। एनर्जी वाले को एनर्जी, फिजिकल वालों को फिजिकल अटैक वाले उरू, और एनर्जी वालों को एनर्जी, फिजिकल के इसमें एनर्जी मत ठूस देना और एनर्जी वालों के इसमें फिजिकल मत ठूस देना। अगर ऐसा किया तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, जिस वजह से कैरेक्टर सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे और कुछ कुछ कंडीशन में सब बेकार हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी करना सोच समझ के करना, और जितना मटेरियल हो उतना अपग्रेड करके देना, और ज़्यादा ओवर पावर मत बनना, जितना यूज है उतना ही करना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि डेडपुल को थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ज़्यादा कुछ खास एकदम एक्सट्रीम वाले ऑब्लिस्क नहीं दिया हुआ है, या एक्सट्रीम वाले उरू नहीं दिया हुआ है, सॉरी। तो वैसे ही काम चलाना है, जितना ज़रूरत है उतना ही अपग्रेड करो, और बाकी का समय के साथ साथ थोड़ा 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 डेली का अपग्रेड करते रहो, जिससे गेम का भी इम्प्रूव होगा, आपका भी इम्प्रूव होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, मटेरियल भी सही तरीके से एडजस्ट रहेंगे, और आपको जो स्टेज है अगर समझो किसी, जैसे एग्जांपल डेडपुल है, ठीक है, डेडपुल का नया यूनिफॉर्म है तो सब बहुत असम है,
क्या नाम है इसका कैरेक्टर का, वुड्डू के साथ सेट कर दिया, तो किसी भी वर्ल्ड वॉर्स अल्टीमेट में ढांस हुआ है, मतलब खत्म, खतरनाक है। तो ऐसे कैरेक्टर को अगर एक्सट्रीम उरू भी दे दिया या सिक्स स्टार के उरू ब्लेसिंग्स भी दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कैरेक्टर को दे सकते हैं जो एकदम फायदेमंद है। लेकिन रेड स्कल जैसे कैरेक्टर को उरू ब्लेसिंग्स और एकदम सिटी पर रेज देना, जो कि अभी कुछ दिनों में कुछ बेवकूफ़ लोग करेंगे, ऐसी हरकत करेंगे, वो देख लेना, तो ये थोड़ा सही नहीं है। थोड़ा सा आने दो, यूज़ करो, अलग अलग जगह पे परफॉर्मेंस देखो, उसके बाद में सेट करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। एंड और एक बार रिपीट मैंने कर दिया है, एनर्जी अटैक टाइप के कैरेक्टर को एनर्जी अटैक के उरू, फिजिकल अटैक वाले टाइप कैरेक्टर के वाले जो कैरेक्टर्स है उनको वैसे टाइप का उरू। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जो है एनर्जी अटैक करते हैं तो उसको एनर्जी अटैक के उरू, और बाकी के क्रिटिकल डैमेज HP इग्नो डिफेंस और जो भी आप कैरेक्टर के इसमें सेक्शन में कम होगा वो आप दे सकते हो। जिसके यहाँ पे क्रिटिकल डैमेज 196 है, तो अगर मुझे क्रिटिकल डैमेज मैक्सिमम करना है तो यहाँ पर मैं इसको ये वाले कंबाइन कर सकता हूँ। समझे, तो मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया, आपको ऐसे ही करना है। और सभी कैरेक्टर जो आपके मोस्टली सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है उनको ही ज़्यादा एक्सट्रीम एकदम मतलब ज़्यादा अपग्रेड वाले उरू देना है, और जो यूज़ में नहीं है उनको थोड़ा सा बेसिक लेवल के 2 स्टार के 3 स्टार के उरू दिए तो भी काम चल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखनी है और इस चीज़ को लेके चलना है, फ्यूचर में भी ऐसे ही अपग्रेड करना है, ताकि कैरेक्टर के साथ साथ आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी मटेरियल वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।